31 मार्च 2023 को 9th और 11th क्लास का CBSE का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के पश्चात जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उन बच्चों के लिए CBSE द्वारा डेटशीट जारी की जा चुकी है। इस डेटशीट के अनुसार जो पहला पेपर है 9th क्लास और 11th क्लास का 17 अप्रैल को पहला पेपर है और पहला पेपर 9th क्लास के लिए सोशल साइंस और 11th क्लास के लिए हिंदी का पेपर है। 18 अप्रैल को 9th का कोई पेपर नहीं है लेकिन 11th क्लास के लिए हिस्ट्री का या केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होना है। 19th को 19 अप्रैल को 9th क्लास का मैथ का और 11th क्लास का सोशोलॉजी का एग्ज़ाम होना है। 20 अप्रैल को 9th का कोई एग्ज़ाम नहीं है और 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का पेपर। 24 अप्रैल को 9th का सोशल नेचुरल साइंस का पेपर होना है और 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का पेपर होना है। 25 अप्रैल को 9th का कोई पेपर नहीं है और 11th क्लास के लिए इंग्लिश का पेपर है। 26 अप्रैल को 9th क्लास के लिए इंग्लिश का और 11th क्लास के लिए फिजिकल एजुकेशन का पेपर होना है। 27 अप्रैल को 9th के लिए कोई पेपर नहीं है और 11th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का पेपर होना है। 28 अप्रैल को 9th क्लास के लिए संस्कृत या पंजाबी या उर्दू जो भी ऑप्शनल उसकी लैंग्वेजेस का पेपर होना है और 11th क्लास के लिए बिजनेस स्टडी का पेपर होना है। 29 अप्रैल को 9th का कोई एग्ज़ाम नहीं है और 11th क्लास के लिए ज्योग्राफी का पेपर होना निश्चित तय किया गया है। 1 मई को 9th का हिंदी का और 11th का होम साइंस का पेपर होना है और 2 अप्रैल को जो कि लास्ट पेपर होना है 9th का कोई एग्ज़ाम नहीं है और 11th क्लास के संस्कृत या बायोलॉजी का पेपर होना है। जैसे कि इसके रूल एंड रेगुलेशन CBSE द्वारा बताए जाते भी हैं, ये सारे आपको फॉलो करने हैं। स्कूल में आपको यूनिफॉर्म में पहुंचना है, बिट डिस्ट्रीब्यूटेड 15 मिनट्स बिफोर, 15 मिनट पहले आपको पेपर बांट दिया जाएगा। इसका जो टाइमिंग रहेगा पेपर का 10:30 से 1:30 तक इसका पेपर का आपका टाइमिंग रहेगा और 1:30 से पहले किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ा जाएगा, 1:30 तक आपको पेपर देना ही है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, मेहनत करें, परिश्रम करें। ये आपको जो अपॉर्चुनिटी जो कंपार्टमेंट के लिए बच्चों को जो मौका दिया गया है वो मौका आप ना गंवाएं, अच्छे मार्क्स से आप पास हों।